बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 11, टॉपिक नंबर 11.1 साउंड वेव्स। टॉपिक नंबर 11.1 साउंड वेव्स, पेज नंबर 28, पेज नंबर 28। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की कि इस चैप्टर की कंटेंट्स क्या है, यानी इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो सा हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक है साउंड वेव्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि साउंड क्या है। ठीक है, इसके बाद साउंड वेव की तरफ हम जाते हैं कि साउंड किस तरह एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती है, इसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, यानी ये कौन से वेव्स है। ठीक है, तो ये आज हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम साउंड को डिफाइन करते हैं कि साउंड क्या है। साउंड हम डिफाइन कर सकते हैं, टॉपिक इज साउंड वेव्स। साउंड को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द सेंसेशन ऑफ एयर इम्पेल्ड बाय आवर ईयर इज कॉल्ड साउंड। सुनने की वो है जो कि हमारे कान महसूस करे, इसको हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। सुनने की वो है जो कि हमारे कान महसूस करे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साउंड कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, सेंसेशन ऑफ हियरिंग इज कॉल्ड साउंड। सेंसेशन ऑफ हियरिंग इज कॉल्ड साउंड, यानी सुनने की है इसको हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। ठीक है, सुनने की है इसको हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि साउंड क्या है, साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है। तो जाहिर सी बात है, एक जगह पर एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। अदरवाइज अगर एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं हो रहा है तो हमारे साथ साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। सिंपल अपने स्कूल के बेल की तरफ देख ली, वहाँ पर क्या हो रहा है कि वाइब्रेशन कर रही है, वो स्प्रिंग लोडेड ऑब्जेक्ट हैमर होता है, वो उस रिंग यानी उस हाफ हाफ स्पेयर जिस तरह जिसे हम गूंज कहते हैं, ठीक है, थीके? उसको हैमर क्या करे, कंटिन्यूसली हिट करे, उसकी हिटिंग की वजह से, कंटिन्यूसली हिटिंग करने की वजह से वो क्या करे, यहाँ पर कंटिन्यूसली हिटिंग की वजह से वो यहाँ पर देख ली स्कूल बेल है, ठीक है, ये हाफ स्पेयर है, इस मेटल स्पेयर है, इसको कंटिन्यूसली हिट कर रहे। अब इस हीटिंग की वजह से यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, इसके जो पार्टिकल है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसके डिस्टर्बेंस की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल एक दूसरे को वाइब्रेट कर रहे, एक दूसरे के साथ वाइब्रेशन कर रहे, एक दूसरे को एनर्जी दे रहे, ठीक है, तो इस एनर्जी की वजह से ये साउंड क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। अब ये साउंड एक्चुअली क्या है, ये साउंड एक्चुअली हमारे साथ है वाइब्रेशन। साउंड क्या है, साउंड एक्चुअली है एनर्जी। क्या है साउंड, है एनर्जी। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक्चुअली क्या चीज़ है, साउंड एनर्जी है। अब ये जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करिए, तो ये हमारे साथ वेव्स की शेप में ट्रेवल करिए, तो अब ये कौन सी वेव्स है, ये कौन सी वेव्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करिए, तो याद रखिए कि साउंड में मकैनिकल वेव्स है। मकैनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होते हैं, मकैनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, वो वेव जिसके लिए मीडियम की ज़रूरत हो उसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। ठीक है, अब फिर मैकेनिकल वेव्स को हमने दो और कैटेगरी में डिवाइड किया था, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, तो अब साउंड वेव्स ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है, तो साउंड वेव्स हमारे साथ क्या है, ट्रांसवर्स सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन से वेव्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होते हैं जिसके मीडियम को हम पैरेलली डिस्टर्ब करें, यानी परपेंडिकुलरली हम डिस्टर्ब ना करें, इसकी मीडियम को हम पैरेलली डिस्टर्ब करें, और वो उसके जो पार्टिकल है या उसके जो मॉलिक्यूल है वो बैक एंड फोर्थ मोशन करें अपनी मिड पोजीशन से और एनर्जी ट्रांसफ़र करें। सिंपल मतलब क्या है इसका, यानी किस तरह ये साउंड किस तरह एनर्जी है, किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो जब भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम एनर्जी दे रहे, एनर्जी किस शेप में दे रहे, यानी हम उस पर फोर्स अप्लाई करें। ठीक है, इससे किस तरह से फोर्स अप्लाई करें, यानी जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये बिल ले ले, स्कूल बिल ले ले, तो ये बिल को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से यहाँ पर ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। या गिटार ले ले, ठीक है, गिटार की स्ट्रिंग ले ले, तो इसको हम वाइब्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, इसकी वाइब्रेशन की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब हमारे हाथ की एनर्जी इसमें ट्रांसफर होती है। दूसरे ये जो हमारे साथ मॉस्किटो वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो जो बजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किस तरह करें, वो कंटिन्यूसली अपने विंग्स को वाइब्रेट करें, इस वाइब्रेशन की वजह से वो
एयर पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अब एयर पार्टिकल को डिस्टर्ब करने की वजह से वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होती है इसके इस विंग से, ठीक है। तो इसके विंग की एनर्जी ट्रांसफर, इसके इस विंग की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है किस चीज़ को, एयर को। तो ये था हमारे साथ क्या कि पार्टिकल के लिए हमारे साथ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, यानी जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दे दिया, गिटार ले ली, ठीक है, ह्यूमन वोकल कार्ड ले ली, जब मैं बातें कर रहा हूँ आप लोग बातें सुन रहे, तो यहाँ पर मेरा जो वोकल कार्ड है, ठीक है, वो वोकल कार्ड कंटिन्यूसली अप डाउन मोशन कर रहे हैं, उसको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। उस एनर्जी की वो ट्रांसफर कर रही है एयर पार्टिकल्स को, जब वो एयर पार्टिकल को एनर्जी दे रही है तो वो एयर पार्टिकल एक दूसरे को एनर्जी दे रहे हैं, और इसी तरह रूम है या कोई और जगह है उसमें ये पार्टिकल एक दूसरे को एनर्जी दे रहे हैं और इस तरह ट्रांसफर हो रही है दफा माप पे। या सिंपल लूड स्पीकर ले ली, ठीक है। लूड स्पीकर में क्या होता है कि उसका जो उसमें जो पर्दा लगाया जाता है, ठीक है, डायफ्राम जिसे हम कहते हैं, तो वो डायफ्राम क्या करे, वो कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो मोशन करे, या बैक एंड फोर्थ मोशन करे, या अप डाउन मोशन करे, ठीक है। उसके अप डाउन मोशन की वजह से क्या हो रहा है, डायफ्राम उसके अप डाउन मोशन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, यानी साउंड के लिए हमारे साथ फर्स्ट नंबर किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अगर हमारे साथ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर हम मीडियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो हमारे साथ साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। याद रखिए कि साउंड के लिए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साउंड हमारे साथ मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स है, वो वेव्स है जिसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर एक मीडियम नहीं है, ठीक है, तो वेव्स प्रोड्यूस नहीं हो सकती। याद रखिए कि वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉलिड किस तरह हो सकता है, लिक्विड किस तरह हो सकता है, गैस किस तरह हो सकता है। तो मैं जब यहाँ पर बातें कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एयर पार्टिकल को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ठीक है। तो एयर पार्टिकल क्या है, कौन से मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल से। एयर पार्टिकल्स क्या है, गैस मॉलिक्यूल से। उस गैस को हमें डिस्टर्ब करो, इसमें डिस्टर्ब की वजह से वेव प्रोड्यूस होती है, और वो वेव एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती है। दूसरी बात ये, अब याद रखिए कि इसमें जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वो सबसे कम होगा, किस चीज़ से, बनिस्बत लिक्विड और बनिस्बत सॉलिड। अब ये क्यों, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से दूर है, इसी वजह से। अब नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड हमारे साथ क्या है, लिक्विड वो इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, थोड़े से क्लोजर है, किस चीज़ के नस्बत, गैस के नस्बत, ठीक है। तो वहाँ पर भी स्पीड ऑफ साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। जो बंदा हमारे साथ स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, और बोट उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो वो बोट की जो मोटर की साउंड है वो बनिस्बत बाहर बंदे की वो नहीं सुन सकता, कि वो दूर से वो जब पानी में तैरता है तो वो इजीली सुन सकता है, ठीक है। तीसरी बात कि हमारे साथ सॉलिड में भी प्रोड्यूस हो सकता है। सॉलिड में किस तरह प्रोड्यूस होता है, तो जिस तरह रेलवे लाइंस होते हैं, रेलवे की पटरी ले ले, ठीक है, कि जब बहुत ज़्यादा दूर से 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, इस तरह की दूर डिस्टेंस से ट्रेन हमारी तरफ आ रही है, ठीक है, अगर हम अपने कान उस पटरी पे रख दें तो हमें पता चलता है कि एक ट्रेन आ रहा है। अब ये क्यों, क्योंकि वहाँ पर ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक है। तो साउंड क्या है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अब सॉलिड में क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसी वजह से स्पीड ऑफ साउंड क्या है, सॉलिड में ज़्यादा होगी, लिक्विड में कम होगी, और गैस में उससे भी ज़्यादा कम होगी, ठीक है। तो ये था हमारे साथ मीडियम और वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, मीडियम और वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब हम डेली लाइफ में एग्जांपल किस तरह ले सकते हैं, तो हम ऐसी कि नेचर किस तरह लिख सकते हैं, पहले नेचर लिखते हैं, बाद में एग्जांपल मैं बताता हूँ। नेचर हम किस तरह लिख सकते हैं, नेचर इज़ साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट ट्रेवल थ्रू ए मीडियम इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये हमारे साथ ट्रेवल करे किस, कौन से फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रिवर्बरेशन, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 10 में कॉपी डिटेल में पढ़ लिया था कि कंप्रेशन क्या है, रिवर्बरेशन क्या है। कंप्रेशन वो होता है जहाँ पर मॉलिक्यूल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत दूसरे पॉइंट की, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। रिवर्बरेशन कौन सा है, वहाँ पर जिसके यहाँ पर मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम हो बनिस्बत नॉर्मल रूटीन की, नॉर्मल मकदार की, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं, ठीक है। व्हेन साउंड पल्स
When sound pass on the air membrane, it produce the sensation of ear. जब ये sound हमारे कानों पे पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पर ear membrane क्या करे, vibrate कर रहे हैं, ठीक है, और वो हमारे जो कान है वो सुन सकते हैं, ठीक है, हमारे महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर इस बंदे ने क्या कह दिया, या ये जो sound produce हो गया है ये किस तरह produce हो गया, लाउड साउंड है या लाउड साउंड नहीं है, ठीक है, तो इसी तरह हम इजीली सुन सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ट्यूनिंग पोल ले ले, ठीक है। कंसीडर ए ट्यूनिंग पोल कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्रॉन्ग दैट वाइब्रेट व्हेन स्ट्रक। ट्यूनिंग पोल हम डेली लाइफ सॉरी हम लेबोरेटरीज वगैरह में ट्यूनिंग पोल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ट्यूनिंग पोल किस शेप किस तरह होता है इसको देख लीजिए, हमारे साथ क्या है, एक ट्यूनिंग पोल है, ठीक है। ट्यूनिंग पोल के दो साइड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह अब जब इसको रबर बैंड की जरिए सॉरी एक रबर हैमर होता है उसके जरिए जब हम इसे स्टिक करें, ठीक है, इसको स्टिक करें तो यहाँ पर इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और इस वाइब्रेशन की वजह से ये एयर पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगी और इसे जब हम अपने कान करीब लेकर जाए तो इससे एक खास किस्म की साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो किस तरह वो हम डिस्कस करते हैं, डियर डियर वाइब्रेशन डिस्टर्ब द ईयर नियर देम, वाइब्रेशन डिस्टर्ब द एयर नियर दी वाइब्रेशन, जब इसको हम हिट करें तो इसकी वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये बुक की तरफ देख ले जरा, यहाँ पर ये हमारे साथ क्या है, ये है ट्यूनिंग पोर है, ठीक है। ये इसके दो प्रॉन्ग है, इसके साइड्स को हम क्या कह सकते हैं, प्रॉन्ग भी कह सकते हैं, ठीक है। जब हम इसे उस हैमर के साथ यानी वो रबड़ वाला हैमर के साथ हम जब इसे स्ट्रिक करें, ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करे, ठीक है। अब जब यहाँ पर जो पार्टिकल मौजूद है जब ये इस साइड पर आ जाए तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स का क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। जब ये इस साइड पर आ जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दोबारा अपनी मेन पोजिशन तक आ जाते हैं और फिर सेकेंड पोजिशन मेन पोजिशन एक्सट्रीम पोजिशन तक चले जाते हैं, यानी फिर रिएब्रेक्ट होते हैं, यहाँ पर कंप्रेस हो जाते हैं और फिर यहाँ पर क्या होते हैं, रिएब्रेक्ट हो जाते हैं। जब ये दोबारा इस साइड पर आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर कंप्रेस होते हैं और इसी तरह ये वेव इस तरह आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या है, ट्यूनिंग पोर है, ठीक है। ट्यूनिंग पोर के हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं यानी अपनी लेबॉरेटरीज में, ठीक है। ये क्या करे, एयर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करे, एयर मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करे और इसको एनर्जी दे रहे। अब वो एनर्जी कहाँ से मिली है, वो एनर्जी हमने अपने हाथ से या रबर उस रबर वाला हैमर्स के जरिए हमने दी है और इसकी वजह से इसमें वाइब्रेशन आई है और वो वाइब्रेशन एयर मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करी यानी एयर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, और इसी तरह ये साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एस ट्यूनिंग पोर कंटिन्यूज टू वाइब्रेट ए सक्सेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रिएब्रेक्शन पाम एंड स्प्रेड आउट इट, और इसी तरह जब हम इसे कंटिन्यूसली वाइब्रेशन करें, ये ट्यूनिंग पोर कंटिन्यूसली वाइब्रेट हो रहे हैं तो हमारे साथ कंप्रेशन और रिएब्रेक्शन होते हैं। इट्स मीन दैट साउंड वेव क्रिएट ड्यू टू वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है कि साउंड वेव हमारे साथ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के जरिए प्रोड्यूस होती है। अगर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम साउंड वेव्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारे साथ क्या, ट्यूनिंग पोर था। अब इसको हम प्रोड्यूस किस तरह कर सकते हैं, सॉरी प्रोपगेट किस तरह कर सकते हैं, या इसको हम प्रोड्यूस किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो साउंड वेव्स को जब प्रोडक्शन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यानी साउंड एक जगह से दूसरी जगह किस तरह ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ खास फैक्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो फैक्टर क्या क्या है वो हम पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस एंड इज रीच द ईयर ऑफ द लिसनर थ्रू ए मीडियम, जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो ये किस चीज़ के जरिए, मीडियम के जरिए लिसनर तक पहुंच जाता है। मैंने जिस तरह आप लोगों से कहा कि यहाँ पर मैं बातें कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा वो वोकल कॉर्ड कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो मोशन करे, अब उस कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो मोशन की वजह से यहाँ पर एयर पार्टिकल डिस्टर्ब हो रही है और इसके जरिए वो एक दूसरे को एनर्जी दे रहे पार्टिकल और इसी तरह ये साउंड ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो ये इसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। विदाउट एनी मीडियम साउंड डज नॉट रीच आवर ईयर, अगर मीडियम ना हो, अगर वैक्यूम हो तो साउंड पास नहीं हो सकता, साउंड ट्रांसफर नहीं हो सकता। इट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर ईयर फॉर साउंड इज ईयर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर साउंड इज ईयर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीडियम साउंड के लिए क्या है, वो है ईयर। किस तरह ईयर है, जो हम डेली लाइफ में बातें करें तो हम इजिली सांस भी ले सकते हैं, ठीक है, और हम साउंड को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे साथ प्रोपगेशन। प्रोपगेशन के लिए फैक्टर की ज़रूरत होती है, वो फैक्टर क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारा जो फैक्टर है
वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, या प्रोडक्शन ऑफ साउंड भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। वाइब्रेटिंग बॉडी क्या है, जिस तरह मैंने आप लोगों से कह दिया कि ट्यूनिंग फोर्क ले ली, गिटार ले ली, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, या बी ले ले, यानी मस्कीटो वगैरह ले ली, तो ये सारे क्या करे, ये वाइब्रेट करे, एयर वाइब्रेशन करे, उस वाइब्रेशन की वजह से एयर पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे, वो टू एंड फ्रो मोशन, यानी वो एयर पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे, ठीक है, उस एयर पार्टिकल के वाइब्रेट होने की वजह से ये साउंड ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी क्या है, और प्रोडक्शन ऑफ साउंड सम डिस्टरबेंस एंड वाइब्रेशन इज नीडेड, प्रोडक्शन साउंड की प्रोडक्शन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सम डिस्टरबेंस ऑफ वाइब्रेशन इज नीडेड, यानी सम डिस्टरबेंस की ज़रूरत होती है किस चीज़ में, उस मीडियम में, मैंने मीडियम क्या है, परस कर यहाँ पर ईयर ले ली, ठीक है। बजिंग साउंड ऑफ बीज, जिस तरह मैंने आप लोगों को सिखाया कि बीज के साउंड ले लिए, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू रैपिड वाइब्रेशन ऑफ दियर विंग्स, इसके विंग के रैपिड वाइब्रेशन की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। साउंड इन ए गिटार और सितार इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग, साउंड गिटार या सितार में जो वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो वो किस चीज़ की वजह से, इसकी स्ट्रेच स्ट्रिंग की वजह से, जब हम उसे वाइब्रेट करें, ठीक है, तो वो अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करे, और वो टू एंड फ्रो मोशन पर एनर्जी दे रहे किस चीज़ को, मॉलिक्यूल्स को, कौन सी मॉलिक्यूल्स को, एयर मॉलिक्यूल्स को, और हम इजीली ये साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह स्कूल बिल ले ली, ठीक है, बाइसाइकिल बिल ले ली, ठीक है, तो ये हॉर्न ले ली, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करें, डिस्टर्ब करें, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ना हो तो हम, या वाइब्रेटिंग बॉडी ना हो तो हम साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, हम साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सॉरी। वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड, वाइब्रेटिंग बॉडी क्या करे, साउंड प्रोड्यूस करे। एफ इट ट्रेवल थ्रू ए मीडियम इन ए फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एफ इट ट्रेवल थ्रू ए मीडियम इन ए फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये मीडियम में क्या करे, कौन से वेव्स की शेप में ट्रेवल करे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की शेप में ट्रेवल करे है। द वाइब्रेटिंग बॉडी सप्लाई द एनर्जी विद ट्रेवल इन इन दी फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रियर प्रेक्शन, वाइब्रेटिंग बॉडी क्या कर रही है, इसको एनर्जी दे रहे किस चीज़ में, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रियर प्रेक्शन, जिस तरह मैंने बता दिया कि कंप्रेशन क्या है और रियर प्रेक्शन क्या है। कंप्रेशन वो है जहाँ पर ज़्यादा मालिक्यूल्स हो, रियर प्रेक्शन वो है जहाँ पर कम मालिक्यूल है। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, कंप्रेशन है, ठीक है, और ये क्या है, रियर प्रेक्शन है, ये कंप्रेशन है, मालिक्यूल कंप्रेस हो गए हैं, और ये क्या है, रियर प्रेक्शन है, मालिक्यूल कंप्रेस यानी रियर प्रेक होते एक दूसरे से दूर चले गए हैं। तो ये था हमारे साथ क्या, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क से एक एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह, लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट ले ली, ट्यूनिंग फोर्क ले ली, ठीक है, और इसको सिंपल पेंडुलम ले ली, ट्यूनिंग फोर्क ले ली और एक सिंपल पेंडुलम ले ली। जब हम इस ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड के जरिए स्ट्रेक करें तो ये क्या करेगा, एयर पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो गया। अगर हम इसको देख ले कि इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, यानी या ये हमारे साथ टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, यानी हमें किस तरह पता चलता है, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल पेंडुलम ले ली, ठीक है, जो कि रेस्ट स्टेट में हो। अब हम क्या करें, इसको उस रबर पैड के जरिए हम स्ट्रिक करें किस चीज़ को, ट्यूनिंग फोर्क को, तो ये जब टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करें, इसको बॉल के करीब लेकर आए, ठीक है, जब हम इस बॉल के करीब लेकर आते हैं, ठीक है, तो ये अपनी एनर्जी इस बॉल को देती है और ये बॉल क्या करे, टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करे। तो इसी तरह ये एयर पार्टिकल को भी डिस्टर्ब करे, ठीक है, और एयर पार्टिकल को डिस्टर्ब करने की वजह से ये वेव एक जगह से ये दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में क्या दिया गया, एक्सपेरिमेंट इज इन द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग पोर्ट, साउंड किस चीज़ की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क के जरिए प्रोड्यूस होता है। किस तरह प्रोड्यूस होता है, व्हेन द प्रॉन्ग्स ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क आर स्ट्रक ऑन ए हार्ड रबर पैड, अगर हम इसके इस ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स को या इसके हैंड्स को हम क्या करें, रबर पैड के साथ क्या करें, स्ट्रांगली हिट करें, ठीक है, जब हम इसे हिट कर देते हैं तो ये वाइब्रेशन शुरू करेगा, ठीक है, जब ये वाइब्रेशन स्टार्ट करें, द प्रॉन्ग वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड, ये प्रॉन्ग क्या करेगा,
वाइब्रेट हो रहा है और साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन। किस कौन से फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रियरप्रैक्शन। कंप्रेशन और रियरप्रैक्शन की वजह से ये क्या करे, कंप्रेशन और रियरप्रैक्शन प्रोड्यूस करे, यानी यहाँ पर जो एयर पार्टिकल मौजूद है वहाँ पर ये कंप्रेशन और रियरप्रैक्शन करे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या लिया है, द प्रॉन्ग ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क अपेयर टू द ब्लड बैक एंड फोर्थ। ये प्रॉन्ग क्या करे, इस तरह ये अपेयर हो रहा है, यानी ब्लड यहाँ पर देख ली, ब्लड बैक एंड फोर्थ इस तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, ब्लड नज़र आएगा ये जब हम इसे हिट करें और ये टू एंड प्रोमोशन स्टार्ट करें, तो ये किस तरह नज़र आएगा, ब्लड नज़र आएगा, ये टू एंड प्रोमोशन करेगा। ठीक है, व्हेन द वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क स्ट्राइक्स ए सस्पेंड पेट बॉल और द बॉल इज पोस्ट अवे विद ए ग्रेटर फोर्स एज शोन इन फिगर। जिस तरह मैंने आप लोगों से कह दिया कि यहाँ पर ये बॉल ले ली, ठीक है, यानी सिंपल पेंडुलम ले ली, जब ये ट्यूनिंग फोर्क को हम इस बॉल के करीब लेकर आए तो ये ट्यूनिंग फोर्क इसको एनर्जी दे देगी और ये एक खास अमाउंट ऑफ फोर्स इस पर अप्लाई हो जाएगा और इस फोर्स की वजह से ये सिंपल पेंडुलम टू एंड प्रोमोशन स्टार्ट करेगा, यानी वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा। द पेट बॉल कैन बी पुश्ड अवे ओनली इफ द प्रॉन्ग ऑफ ट्यूनिंग फोर्क मूव टू द राइट साइड। अब ये यहाँ पर देख ली कि ये हमारे साथ राइट साइड पर मोशन करी या लेफ्ट साइड पर, एक ही साइड पर करी, यानी एक साइड पे हम इसे स्टिक करें और उसको एनर्जी मिल जाए, यानी यहाँ पर एक और रखे तो फिर ये तो टू एंड प्रोमोशन नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए जगह नहीं है, एक यहाँ पर है क्या कहाँ पर होगा तो फिर जगह नहीं होगा, तो एक साइड पर यानी इसके राइट साइड पर हम रख दें, तब यहाँ पर ये हमारे साथ टू एंड प्रोमोशन करेगा, इस पर फोर्स अप्लाई होगा, इस फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये पेंडुलम क्या करेगा, टू एंड प्रोमोशन करेगा। ठीक है, द राइट साइड एंड स्ट्रक इट हार्ड, द एक्सपेरिमेंट शो द स्प्रॉन्ग ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट। ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या शो करता है, ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि ये प्रॉन्ग क्या करे, वाइब्रेशन करे। किस तरह ये शो कर रहे, जिस तरह मैंने आप लोगों से कह दिया कि सिंपल पेंडुलम ले रहे। सिंपल पेंडुलम क्या है कि एक बाल को हमने एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया और उसको किसी चीज़ के साथ लटकाया, ये क्या है, सिंपल पेंडुलम है। अब इसको हम वाइब्रेट करना चाहते हैं तो वो वाइब्रेट किस चीज़ के जरिए, ट्यूनिंग फोर्क के जरिए हम वाइब्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड के जरिए स्टिक करें और इस बॉल के करीब लेकर आए। ठीक है, जब हम इस बॉल के करीब लेकर आते हैं तो यहाँ पर ये डॉट डॉट निशान नज़र आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्यूनिंग फोर्क टू एंड प्रो मोशन करे, जब ये यहाँ पर आ जाए तो इसको एनर्जी मिल जाएगी इस बॉल को, जिस तरह एयर पार्टिकल को एनर्जी मिल रही है। ठीक है, यानी जब हम अपने कान के करीब लेकर जाए तो वहां पर एक खास किस्म की आवाज प्रोड्यूस होती है, जब ये ट्यूनिंग फोर्क हम अपने कान के करीब लेकर जाए तो वहां पर ये परस करिए, ये बाल क्या है, ये एयर पार्टिकल है। ठीक है, तो वहां पर कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी ये बाल क्या करेगा, टू एंड प्रोमोशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, किस तरह, किस चीज की वजह से, इस ट्यूनिंग फोर्क की वजह से। ठीक है, तो ये इस ट्यूनिंग फोर्क की वजह से ये टू एंड प्रोमोशन स्टार्ट करेगा, किस तरह, क्योंकि ये इसी पर फोर्स अप्लाई करेगा, यानी इस ट्यूनिंग फोर्क की एनर्जी इसको मिल जाएगी और इसी तरह ये अपनी मेन पोजीशन से टू एंड प्रोमोशन स्टार्ट करेगा। तो ये था हमारे साथ प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड हमारे साथ किस तरह हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड में सबसे पहले वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ साउंड एंड हियरिंग ऑफ साउंड। तो आपने साथ होमवर्क नोट कीजिए, होमवर्क इज लर्न टॉपिक नंबर 10.7 प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, यूनिट नंबर 10, टॉपिक नंबर 10.7 प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, ये लर्न कीजिए काइंडली। जिस पॉइंट में भी मसला हो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।